पूर्वी चंपारण जिले के सुकुल पाकड़ गांव में थ्रेसर की चिंगारी में आग लगने से गेहूं के सैकड़ों बोरी जल गए। बता दें हवा इतनी तेज थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पहुंचने से पहले ही गेहूं के सभी बोझा राख हो गए। गेहूं के राख हुए बोझा को देख जमीन मालिक और उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय मुखिया अशफाक अहमद ने घटना की जानकारी सुगोली अंचलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार को दी है। दरअसल सुकुल पाकड़ गांव में ईदगाह के पास गेहूं का थ्रेसिंग हो रहा था। इसी दौरान थ्रेसिंग मशीन से निकले चिंगारी से बगल के खेत में रखे गेहूं के बोझा में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसे बुझा पाना मुश्किल था। इसी दौरान चल रही तेज हवाओं के चलते आग भड़क गई और गेहूं के लगभग 224 बोझा आग की चपेट में आ गए। ग्रामीणों ने मौके पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन जब तक भारी नुकसान हो चुका था। बताया जा रहा है कि सुकुल पाकड़ गांव के नूरेन मियां और हुसैन मियां अपने 20 कट्टा खेत के गेहूं को काटने के बाद बोझा बनाकर खेतों में छोड़ के गए थे। तभी थ्रेसिंग के बाद खेत के पास ही काम कर रहे थे और इसी दौरान बगल में थ्रेसर के चिंगारी से गेहूं का बोझा जलकर राख हो गया।